बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आई एम समर खान प्रेजेंटिंग माय 23rd लेक्चर पार्ट 1 फ्रॉम क्लास 3 फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर 9-10 कंट्रैक्शंस प्लस एडवर्ब्स पेज नंबर 28-33 वर्कशीट एज होमवर्क। हियर इज योर बुक टाइटल पेज। ओके, यूनिट नंबर आपका लेसन नंबर 9 है कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस होते क्या हैं? दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली किसे बोलते हैं? शॉर्टेंड फॉर्म्स को। जब हम किसी वर्ड को स्मॉल कर देते हैं, स्मॉलर कर देते हैं, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं किसी लॉन्ग वर्ड को छोटा करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेन यू कॉन्ट्रैक्ट वर्ड, वी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड्स, वी मेक दैम स्मॉलर। जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी वर्ड को, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही है, छोटा कर देना किसी वर्ड को, ठीक है, अपोस्ट्रॉफी लगा के। कैसे हम करेंगे हमें आपको आगे फर्दर बता रही हूँ। वी मेक दैम स्मॉलर, वी कैन डू सो बाय रिमूविंग सर्टेन लेटर्स। वो कह रहे हैं हम लेटर्स को हटा देते हैं और अपोस्ट्रॉफी पुट कर देते हैं उसकी जगह। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अ गुड बॉय। वो कह रहे हैं कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। अब आई एम एक लॉन्ग वर्ड है, इसको शॉर्टन करना है। हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट दिस वर्ड, ये नहीं कहेंगे शॉर्टन दिस वर्ड, ये कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट दिस वर्ड, ठीक है। ये लॉन्ग फॉर्म है इसकी और ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। एक हटा दिया, एक की जगह अपोस्ट्रॉफी लगा दी, आई एम अ गुड बॉय, ठीक है। अब कुछ ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं, कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये आप याद रखिएगा। जब हम ये यूज़ करते हैं, आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा अपनी नोटबुक्स में, बुक्स में, आपके मैसेजेस जब आते हैं तो इस तरह की वर्डिंग्स यूज़ की हुई होती हैं। शॉर्ट एंड फॉर्म्स जिसे बोलते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं बेसिकली। शॉर्ट एंड फॉर्म्स को कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। आई एम को चेंज कर दिया एम में, यू आर को चेंज कर दिया योर, ही इज़ को हीज़। अब आपकी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाती है जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी वर्ड को। इट इज़ को इट्स, वी आर को वीर, दे आर को देर, ठीक है। क्या हमने रिमूव किया? ए हमने आई इस तरह से रिमूव करके, लेटर इज़ रिमूव्ड, लेटर ए इज़ रिमूव्ड, लेटर आई रिमूव्ड हो गया, आई रिमूव हो गया, आई रिमूव हो गया, ए और ए रिमूव्ड हो गया। उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्शंस कैसे करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वर्ड को छोटा कैसे करते हैं। यहाँ पर लेटेस्ट अंडरस्टैंड में देख लेते हैं। कॉपी दिस सेंटेंसेज इन योर नोटबुक आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग द अंडरलाइन वर्ड। कॉन्ट्रैक्टिंग करना है, हमने वर्ड को अंडरलाइन कर किया हुआ वर्ड है, ठीक है, अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी छोटा करना है। सो आई के ऊपर यहाँ पर ए को कट करके अपोस्ट्रॉफी, यू आर का ए कट करके अपोस्ट्रॉफी, ही का इज़ का आई कट करके अपोस्ट्रॉफी, वी आर ए कट करके अपोस्ट्रॉफी, शी इज़ का आई कट के अपोस्ट्रॉफी, दे आर ए काट के हम कट करके क्या करेंगे, अपोस्ट्रॉफी लगा देंगे। बहुत इजी है कॉन्ट्रैक्शंस आपकी कॉन्ट्रैक्ट करना। राइट द फुल फॉर्म। अच्छा, फुल फॉर्म मतलब पूरा, आई एम, आई मतलब आई और ए एम एम, और फुल फॉर्म और कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ईजी हैं आपके पास, ठीक है। सम हैव बिन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए डन की हुई हैं। इन में मिसिंग में आपने करना है शील, शी विल, ठीक है, हील, ही विल, देल, दे विल, वील, वी विल, दे हैव, ठीक है। सब उन्होंने आपको बताया हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये फुल फॉर्म्स हैं, ये आपने याद रखनी है ये बात। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स। कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स हमने दिए हुए हैं, उन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्शंस दी हुई हैं, शॉर्ट एंड फॉर्म दी हुई है, हमने फुल फॉर्म में लिखना है, बड़ी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हील, ही विल ऊपर लिख दिया, शील, शी विल लिख दिया, वीर, वी आर, देव, दे हैव कर दिया हमने, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या है, मैच द कॉन्ट्रैक्शंस थ्रू देयर एक्सपेंडेड फॉर्म्स। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स लॉन्ग फॉर्म के साथ हमने शॉर्टन फॉर्म्स को मैच करना है। वुडेंट, वुड नॉट, ठीक है, कुडेंट, कुड नॉट, हैजंट, हैज नॉट, हैवेंट, हैव नॉट, इजंट इट, इज इट, इज नॉट, हैडंट, हैड नॉट, वाजंट, वाज नॉट, कांट, कैन नॉट, डोंट, डू नॉट, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या है, हमने क्या करना है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ योर ओन। अब हमने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर देना है, खुद से क्या करना है, हमने कॉन्ट्रैक्ट करना था, आई वॉज नॉट हैप्पी विद वट आई सॉ, कह रहा है मैं खुश नहीं हूँ जो मैंने देखा था। वॉजेंट कर दिया यहाँ पर, आरेंट कर दिया, ठीक है, आर एग्जैक्टली जाएगा, नॉट का ओ हटा के अपोस्ट्रॉफी, यू विल कर दिया। जितने भी वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं एक सेंटेंस में वो आपने सब करने होंगे। वी आर कर दिया और इज़ इंटेड ही ये कर दिया हमने,
ये बात याद रखनी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, कॉन्ट्रैक्शंस में वर्ड्स को छोटा कर देते हैं और उसकी का फुल फॉर्म हम फुल फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में कर देते हैं। रीड द डायलॉग कंप्लीटेड विद सूटेबल कॉन्ट्रैक्शंस। अब कॉन्ट्रैक्शंस में हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शंस लगाने हैं। आई एम गोइंग टू द मार्केट, विल यू कम विद मी। मैं मार्केट जा रहा हूँ तो मेरे साथ आना पसंद करोगी। नो एंथनी, नहीं मैं नहीं आना पाऊँगी। आई वुडेंट कम बिकॉज आई विल, वो कह रही मैं नहीं आ सकती बिकॉज़ क्योंकि आई एल गोइंग टू सी मूवी माई विद माई कज़न। कह रही मैं अपने कज़न्स के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। हैव यू परचेज द टिकट्स, क्या तुमने टिकट्स ले ली हैं? नो, नहीं, नॉट येट, अभी नहीं ली, बट आई एल बाय देम एज सून एज वी रीच द थिएटर। कह रही थिएटर में पहुँचते ही मैं ले लूँगी। यू कैन सी आई विल को छोटा कर दिया, आई एम को हमने छोटा कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। देन हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग, हम तुम कितने लोग जा रहे हो? वी आर फाइव ऑफ अस, हम पाँच लोग जा रहे हैं। वट विल यू डू इन द केस यू डोंट गेट द टिकट्स, अगर तुम्हें टिकट नहीं मिली इन द केस तुम क्या करोगे? ओह इन दैट केस आई एल गो टू द मॉल एंड डू सम शॉपिंग, तो मैं शॉपिंग के लिए मॉल में चली जाऊँगी। मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारे पास है यूनिट हमारा लेसन नंबर 10, एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं? अब हमने पढ़े थे नाउंस, डिस्क्राइब, हमारे पास नाउंस थे, नेमिंग वर्ड्स आर कौन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? क्वालिटी ऑफ अ नाउन और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑफ नाउन। नाउन को डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव और वर्ब को डिस्क्राइब करता है एडवर्ब, ठीक है। एड वर्ब्स, वर्ब्स क्या होते हैं? डूइंग एक्शंस आपने पढ़ा है, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। ऐसा ही है, जो हम एक्शंस करते हैं वो सारा हमारा क्या है, वर्ब्स में आता है। एड वर्ब्स मतलब मीनिंग एड इन द वर्ब, यानी वर्ब्स को एक्सप्लेन करता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स अबाउट वर्ब्स, वर्ब्स को मज़ीद एक्सप्लेन जो चीज़ करती है वो एडवर्ब होती है, ये बात याद रखनी है। नाउन को एक्सप्लेन जो चीज़ करती है वो एडजेक्टिव होती है और वर्ब को जो चीज़ एक्सप्लेन करती है वो एडवर्ब होती है। एडवर्ब टेल अस दैट हाउ, वेयर एंड व्हेन एन एक्शन इज़ परफॉर्म, जैसे एक्शन कब, कहाँ और कैसे परफॉर्म किया गया है। एडवर्ब टेल अस मोर अबाउट वर्ब्स, एज आई हैव टोल्ड यू, के ज़्यादातर वर्ब के बारे में हमें बताती है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, द बॉय स्पोक रूडली। ये हमारे पास रेड में हमारे पास होंगे वर्ब्स और ब्लू में हमारे पास होंगे एडवर्ब्स जो एक्सप्लेन मज़ीद करेंगे वर्ब को। द बॉय स्पोक रूडली, लड़के ने गुस्से से बोला। अब अगर हम इसको यहाँ पर आप अगर इसको पॉइंट कर दें, द बॉय स्पोक, लड़का बोला, अब ये तो पता है हमें लड़का बोला, लेकिन वर्ब बताया उसने ये लड़का बोला। अब एक्सप्लेन क्या किया वर्ब को, कि वो गुस्से से बोला रूडली, तो हमने यहाँ पर पता लगा हमें ये एडवर्ब है। हाउ डिड द बॉय स्पीक, ही स्पोक रूडली, वो रूडली बोला है। द वर्ड स्पोक इन द वर्ब, द वर्ब है हमारे पास और रूडली हमारे पास क्या है, एडवर्ब। विट टेल अस मोर अबाउट वर्ब। चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, प्लेइंग खेल रहे हैं, आउटसाइड उन्होंने बताया मज़ीद एक्सप्लेन करके कि वो बाहर खेल रहे हैं। ही विल बी गोइंग टुमारो, वो कल जा रहे हैं, गोइंग जा रहे हैं, अब कल जा रहे हैं, ये एक्सप्लेन मज़ीद किया उन्होंने, एडवर्ब बता दिया हमें, ठीक है। आगे वो क्या कह रहे हैं, अच्छा, लेट अस अंडरस्टैंड, रीड द सेंटेंसेज गिवन बिलो, फाइंड द एडवर्ब्स एंड राइट देम इन योर नोटबुक। एडवर्ब्स हमने फाइंड करना, हाँ, इट रेंड हैविली यस्टरडे, इट रेंड, अब हमें पता है बारिश हुई है, लेकिन हैवीली यस्टरडे कि बहुत तेज़ बारिश हुई है कल, ये हमें एडवर्ब ने बताया है, ठीक है, कि बारिश बहुत तेज़ हुई है। द चिल्ड्रन सैंग मेलोडियसली, मेलोडियसली बहुत अच्छे से सुरीले गाने गा रहे हैं बच्चे, मेलोडियसली हमारे पास ये आएगा। जहाँ पर एल वाई बेसिकली हमारे पास है एडवर्ब की एक छोटी सी हमारी वो आइडेंटिफिकेशन भी ये होती है कि लास्ट में उसके एल वाई आता है, बैडली, स्वीटली, करेक्टली, हैप्पीली और नॉइसली और सैडली, ठीक है, ये जो होते हैं ना ये एडवर्ब्स होते हैं। वी मस्ट स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली एवरी डे, वो कह रहे हैं कि हम जो है जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। सैम ऑलवेज कैरीज फ्लावर्स टू फॉर हिज टीचर, सैम जो है वो हमेशा अपने टीचर के लिए फूल लेकर आता है, ऑलवेज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कैरीज क्योंकि मैंने एडजेक्टिव बताया था आपको, वो नाउन के साथ हमेशा यूज़ होता है, नाउन के साथ आएगा, और वर्ब हमेशा, एडवर्ब हमेशा वर्ब के साथ आता है, ठीक है। फिफ्थ वन है द वर्कर्स बिजीली वर्कड बिल्ड द हाउस, वर्कर जो हैं वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं बनाने के लिए घर को। वी हरिडली रैन टू द बस स्टॉप, हम जल्दी से भाग कर बस स्टॉप की तरफ गए। अब यहाँ पर क्या है, रीड द लिस्ट ऑफ एडवर्ब्स गिवन बिलो, पुट देम इन करेक्ट बॉक्सेस, अब करेक्ट बॉक्सेस में हमने लिखना है हाउ, कैसे, व्हेन, कब, व्हाई, क्यों, ठीक है। हाउ कैसे, यानी हमने बताना है कैसे क्या हुआ था, लाउडली, क्विकली, सॉफ्टली, ये सारे ऊपर दिए हुए हैं हमने, इसमें अकॉर्डिंग टू दिस हमने पुट करना है, यानी हाउ कैसे, यानी रिएक्शंस बता रहे हैं, लाउडली, क्विकली, सॉफ्टली, पोलाइटली,
हरीली, हैप्पीली, एंग्रीली, स्लोली, नीटली, स्वीटली, ऑलवेज, ये हमारा हो गया हाउ, कैसे, व्हेन, कब, ठीक है। अब व्हेन है कब, रिएक्शंस बताता है ना वैसे भी हमें एडवर्ब्स के, कौन सी चीज़ कब, कहाँ और कैसे हुई है। नाउ देन आल, लेटर, आफ्टर, लेटर, लेटर वर्ड आई है, ठीक है। आफ्टरनून, इवनिंग, नेवर, मॉर्निंग, अर्ली, डेली। अब वाई, क्यों, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, अप, डाउन स्टेयर्स, ये हमें बताया इसने। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, अपने ग्रामर को आपने बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है अपना। अब यहाँ पर हमें उन्होंने क्या कहा है, कॉपी द सेंटेंसेज इन योर नोटबुक, फिल इन द ब्लैंक्स विद एडवर्ब्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो। अच्छा, एडवर्ब्स, वी हैव एडवर्ब्स हेयर, हमने करेक्टली एडवर्ब्स यहाँ पर पुट करनी है। एशली सेड ही विल कम टुमारो, एशली ने कहा वो कल आएगा। द टीचर सेड राइट नीटली, टीचर ने कहा नीटली लिखें, ठीक है। माई फ्रेंड लिव्स नियर बाय, मेरा दोस्त मेरे घर के पास रहता है। रैनी लेफ्ट फॉर अमेरिका यस्टरडे, रैनी जो है वो कल यहाँ अमेरिका छोड़ के जा रहा है या रही है। कॉपी द सेंटेंसेज इन योर नोटबुक, फिल इन द ब्लैंक्स विद योर ओन एडवर्ब्स, आपने खुद से एडवर्ब्स लगाने हैं यहाँ पर। वो कह रहे हैं मदर सेड यू मे गो टू द पार्क टू प्ले बट कम बैक अर्ली, ठीक है। वो कह रही हैं कि मदर कह रही हैं तुम पार्क में तो खेलने जा सकते हो लेकिन जल्दी वापस आ जाना, ठीक है। सेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ गल लगाते हैं यहाँ पर एडवर्ब, खुद से ऐसे ही नहीं लगाते ना इलॉजिकल सेंटेंस, हमने लॉजिकल एडवर्ब्स पुट करने हैं। द लिटिल बेबी वॉज क्राइंग लाउडली, बच्चा ऊंची से रो रहा है। द डॉग बार्क आउटसाइड एंड वॉक अप एवरीबडी, वो कुत्ता जो है वो बाहर की तरफ भौंक रहा है और हर कोई अंदर जाग गया है। टॉम इज सिटिंग इनसाइड, यू कैन गो एंड मीट हिम देयर, अब टॉम जो है वो अंदर बैठा हुआ है, तुम जाकर उससे मिल सकते हो। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, सर्कल द वर्ब्स इन ईच सेंटेंस देन अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन ईच सेंटेंस, ठीक है। सर्कल क्या करना है, वर्ब्स, और अंडरलाइन क्या करने हैं, एडवर्ब्स। राइट एम फॉर हाउ, मैनर, टाइम फॉर टी, P for place and where is curious for the box given, one is done for you, उन्होंने कहा पहला आपके लिए डन कर दिया गया है, बाकी हमने बताना है। अच्छा, प्लेस बतानी है हमने, टाइम बताना है कब हो रहा है ये, और मैनर्स बताने हैं कि किस तरह से हो रहे हैं। पीटर डिड हिज वर्क नीटली, पीटर ने जो है वो अपना काम नीटली किया है, ये मैनर्स में आता है। लिफ्ट द बॉक्स, अब हम देख सकते हो आप सर्कल किया हुआ है, डिड करना कोई काम वर्ब है, एडवर्ब नीटली वर्ब है। लिफ्ट द बॉक्स केयरफुली, इट हैज़ ग्लास इनसाइड इट, मैनर्स में आता है कि एकदम से उठा के आप चीज़ें नहीं फेंकते हो, आराम आराम से रखते हो, तो ये मैनर्स में आपके, ठीक है। माई फ्रेंड अराइव्ड यस्टरडे, मेरा दोस्त जो है वो यस्टरडे अराइव्ड हुआ है, टाइम पे, टाइम बताया उन्होंने कि वो यस्टरडे अराइव हुआ है, आ गया है। सर्कल किया अराइव्ड पे हमने, क्योंकि ये वर्ब है, और अंडरलाइन किया यस्टरडे पर। वी वेंट आउटसाइड टू प्ले, हम बाहर की तरफ खेलने के लिए गए, प्लेस बताइए उसने, ठीक है, कि बाहर खेलने के लिए गए। गो एंड डू योर होमवर्क सेट द टीचर, आई हैव डन इट एन आवर अगो, ओके ने टाइम बताया है उन्होंने कि एक घंटे में तुमने अपना काम करके फ्री हो जाना है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, इट्स योर ओरल एक्टिविटी, ये आप घर पे भी अपने ऑन पे कर सकते हो। दिस इज़ योर होमवर्क अबाउट एडवर्ब्स, यू कैन डू इट ऑन योर नोटबुक्स, अपनी नोटबुक्स पे करोगे आप ये होमवर्क, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका नोटबुक्स पर ही जाएगा। दिस इज़ कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्रीज हैं आपकी एडजेक्टिव्स की, जो मैंने हमको लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी, ठीक हो गया। Thank you so much.